काशी का दौरा करेंगे सीएम योगी, भोले बाबा के दर्शन के बाद करेंगे समीक्षा बैठक। सीएम योगी काशी का करेंगे दौरा। बीएचयू में सुफलाम कार्यक्रम आयोजित होगा। टेंट सिटी की तैयारियों का भी करेंगे निरीक्षण। काशी का दौरा करेंगे सीएम योगी, भोले बाबा के दर्शन के बाद करेंगे समीक्षा बैठक। सीएम योगी काशी का करेंगे दौरा। बीएचयू में सुफलाम कार्यक्रम आयोजित होगा। टेंट सिटी की तैयारियों का भी करेंगे निरीक्षण। काशी का दौरा करेंगे सीएम योगी, भोले बाबा के दर्शन के बाद करेंगे समीक्षा बैठक। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता पंकज। आइए जानते हैं पंकज से कि इस पूरे मामले में क्या है। जी अफीफा, बताना चाहेंगे कि सीएम योगी का आज काफी दौरा है और बीएचयू में ये कार्यक्रम है, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम रखा गया है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी है उन्नत कृषि को लेकर के, जिसका नाम रखा गया है सुफलाम। तो सुफलाम कार्यक्रम में चूंकि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी पहुंचे हुए हैं और योगी आदित्यनाथ को वहां पे मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाया गया है, तो इसको लेकर के सीएम का आज बनारस दौरा है, वहां पहुंचे हुए हैं। इसके बाद से सीएम वहां जाएंगे, काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा के दर्शन करेंगे और बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद से वो गंगा में नाव के द्वारा जो वहां पर टेंट सिटी बनाई जा रही है गोवा की तर्ज पे टूरिस्टों को एक तरह से आकर्षित करने के लिए, उसका भी निरीक्षण करेंगे और उसके बाद जो बड़ी चीज है उसके बाद वो एक समीक्षा बैठक करेंगे। चूंकि आपको बता दें कि भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है और उत्तर प्रदेश में G20 का जो कार्यक्रम है उसमें से सर्वाधिक कार्यक्रम काशी में होने वाला है, तो काशी में डेवलपमेंट को लेकर के, वहां की जो व्यवस्था है G20 को लेकर के, और साथ ही साथ इस समय जो स्नान को गंगा स्नान और मेले की स्थिति बनी है उसको लेकर के, जो वहां पे सुरक्षा व्यवस्था है और जो विकास की व्यवस्था है, इन सब चीजों को लेकर अधिकारियों के साथ वो अपनी समीक्षा बैठक करेंगे और उसके बाद फिर लखनऊ आएंगे। अफीफा जी, तो पंकज, समीक्षा बैठक को लेकर G20 समिट की अगर बात करें तो इस समीक्षा बैठक को देख के कैसे देखा जा रहा है? देखिए, चूंकि G20 को लेकर के पूरे देश में तैयारियां हैं, जिन जिन राज्यों में इसका आयोजन किया गया है G20 का, वहां पे चूंकि PMO से भी जानकारी ली जा रही है और सीधे सीधे चूंकि पिछले दिनों देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के सचिवों से जो है कि खुद मुलाकात की और जानने की कोशिश की कि डेवलपमेंट क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा आयोजन है G20 का और भारत को मिला हुआ है, तो एक एग्रेसिव मोड में भारत देख रहा है और साथ ही साथ इसका लाभ चुके हैं कि भारत को मिलेगा। यूपी अपना रोल मॉडल, डेवलपमेंट का रोल मॉडल प्रस्तुत करने के लिए चूंकि आगे बढ़ रहा है, देखा जाए तो यहाँ पे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो या G20 हो, दोनों को लेकर के काफी उत्साह है। सरकार जो है कि तमाम तरह की कवायदें कर रही है, खुद ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के सीएम का लगातार दौरा चल रहा है, पिछले दिनों वो मुंबई गए थे और साथ ही साथ जो G20 है इसमें लगभग दुनिया से 1 लाख लोग आएंगे और भारत में G20 में शामिल होंगे, G20 के सम्मेलन में, तो वो जो लोग आएंगे वो यहाँ का डेवलपमेंट का जो रोल मॉडल है उसको देखेंगे और साथ ही साथ जो यहाँ पे क्या कुछ विशेष है, यहाँ की जो धार्मिक, यहाँ की जो संस्कृति, यहाँ का विकास कैसे उनको दिखाया जाए, इन तमाम मुद्दों पे चर्चा होगी। इसी के क्रम में जो केंद्र सरकार की तरफ से जो दिशा निर्देश राज्यों को दिए गए हैं, जो विकास की एक गति दी गई है, उसमें अभी तक क्या कुछ हो रहा है और कैसे हो रहा है, इन सारी चीजों की समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी वाराणसी में। जी पंकज, बीएचयू में सुफलाम कार्यक्रम हो रहा है तो बीएचयू में क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए, बीएचयू में ये जो है कि उन्नत कृषि कैसे की जाए और किसानों को इसका फायदा सीधे तौर पे कैसे मिले, इसको लेकर 3 दिवसीय सुफलाम कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय सुफलाम कार्यक्रम रखा गया है जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर ने इसका उद्घाटन किया है और इसके मुख्य अतिथि के तौर पे, विशेष अतिथि के तौर पे RSS के जो नेता है भैया जी जोशी वो भी आए हुए हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ को विशेष आमंत्रण दिया गया था इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो ये किसानों के लिए ये जो है कि केंद्र सरकार की जो नीति है इसको लेकर के ये कार्यक्रम रखा गया है और देखा जाए तो पिछले दिनों जब सदन का शीतकालीन सत्र चल रहा था तो उसमें भी देश में मोटे अनाज की पैदावार को कैसे बढ़ाया जाए इस पे जो है कि चर्चा हुई थी। सीएम ने खुद इस तरह की बात की कि जो देश के जो प्राचीन कल्चर है, पुरानी सभ्यता है, उसमें जो हम लोगों की कृषि होती थी, जो मोटे अनाज उत्पादित किए जाते थे, उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा देने की जरूरत है क्योंकि उसका डिमांड बहुत ज्यादा है। आज आपको बताना चाहेंगे कि जो मोटे अनाज में जो बाजरा है वो संसार का सबसे महंगा अनाज
के तौर पर देखा जा रहा है। इसको लेकर के दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक विशेष भोज का आयोजन किया था, जहां तमाम पत्रकार और नेता भी मौजूद थे, और उसमें मोटे अनाज की जो डिश थी उसको परोसा गया था। तो कहीं ना कहीं ये एक किसानों के लिए अच्छी खबर है कि मोटे अनाज का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, और साथ ही साथ जो विदेश से इसकी डिमांड आ रही है उसको कैसे पूरा किया जाए, इन तमाम चीजों को लेकर के ये कार्यक्रम रखा गया है। पंकज, टेंट सिटी से क्या मतलब है, टेंट सिटी को लेकर जरा विस्तार से बताइएगा। जी, बताना चाहूंगा कि टेंट सिटी गंगा पार के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे जो खाली स्थान है वहाँ पे टेंट सिटी बनाया जा रहा है वाराणसी में, क्योंकि वाराणसी को पहले ही पीएम ने कहा है कि इसको जापान के क्योटो की तर्ज पे इसको सजाया जाएगा, और ये चूंकि प्राचीन धार्मिक नगरी है और उनका संसदीय क्षेत्र है, बहुत ज्यादा महत्व है काशी विश्वनाथ का और वाराणसी नगरी का, तो उसको लेकर के कैसे पर्यटकों को वहाँ आकर्षित किया जाए, और जो लोग वहाँ जाते हैं वो वहाँ पे जाए उनके वहाँ। सीएम योगी का काशी दौरा, सीएम योगी भोले बाबा के दर्शन के बाद करेंगे समीक्षा बैठक। सीएम योगी काशी का करेंगे दौरा, बीएचयू में सुप्लाम कार्यक्रम आयोजित होगा, टेंट सिटी की तैयारियों का भी करेंगे निरीक्षण।